गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। इवनिंग। दो तीन मिनट का टाइम और दे देते हैं, अभी सारे लोग नहीं आए हैं, है ना? दो तीन मिनट में स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो डीपीपी टू का डिस्कशन बाकी था, तो पहले डीपीपी टू डिस्कस करेंगे और फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? चलो, तो सभी का सॉल्यूशन बताएं या फिर जिनमें डाउट्स हैं उनका क्या बेटर रहेगा? सभी का बेटा, ये तो बहुत गंदी आदत है सभी वाली, तो सर जिनमें डाउट्स है ना उनका। सॉल्यूशन ही छापते रह जाओगे सभी वाले में, तो सभी की नहीं जरूरत सर, सारे सॉल्व तो किए सर, सभी में टाइम भी ज्यादा जाएगा। सर हाँ वही तो, आंसर डिस्कस करो ना। क्या आंसर ही डिस्कस करो, आंसर आंसर ओनली आंसर। बेटा आंसर ही तो बता सकता हूँ मैं, क्या बताऊँ। चलो मैं तेजी से करता हूँ। चलो बोलो, जिसमें डाउट होगा उसको धीरे से बता देंगे, फर्स्ट में सी वाला कर दीजिए। जिसमें डाउट नहीं होगा उसको मैं तेजी से बस आंसर लिख देता हूँ, ठीक है ना? हाँ सर, सिर्फ चेक हो जाए ना। चलो हाँ सर। तो पहले हमें चाहिए क्या, यहाँ पे dy by dx ए पार्ट के अंदर dy अगर आप करते तो आ जाता 3t square minus 8t by dx अगर आप करते तो आ जाता cos t plus e की पावर t। किसी को कोई डाउट ए पार्ट में? नो सर। पार्ट 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस कॉसेक t कॉट t बाय सेक t टेन t। कोई समस्या? नो सर। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछना, हेजिटेट मत करना। नो सर। ठीक है, सी पार्ट में दिया हुआ है y इज साइन टी
प्लस कॉस टी, ठीक है। और आपको दिया गया है टी इज एम की पावर 5 प्लस 4 एम क्यूब, और आपको दिया गया है एम इज एक्स क्यूब, और पूछा गया है डी वाई बाई डी एक्स। सोच के देखो y को आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, t के रिस्पेक्ट dy by dt, t हटाने के लिए t को किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो, m के रिस्पेक्ट में dt dt by dm, dm के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो dm by dx। dy by dt की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगी cos t - sin t इंटू डी टी बाई डी एम, ये हो जाएगा 5m की पावर 4 प्लस 12m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3x। ये आपका आंसर है सी पार्ट का। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे आपसे बोला गया है डी पार्ट, तो डी पार्ट काफी आसान है। डी पार्ट में सिंपली हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स सर वन ही आ जाएगा। बिल्कुल, एल एन टू प्लस एल एन टी का हो जाएगा 1/t अपॉन 1/t, यानी कि 1 आ गया हमारे पास आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, किसी को कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 2, बॉक्स मेथड से डिफरेंशिएट करूंगा मैं। पहले मैं 7x प्लस 5 पे एक बॉक्स बना लेता हूँ ताकि मैं x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। बात समझ आ रही है? यस सर। यस। चल, तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से पावर आगे आएगी 3 टू द पावर 3 बाय 5, अंदर बचेगा 7x प्लस 5 की पावर 3 बाय 5 माइनस 1 माइनस 2 बाय 5, बॉक्स ओपन होगा, 7x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 7। तो सर स्टार्टिंग में 21 लिख देंगे चलेगा ना? हाँ बिल्कुल, 21 बाय 5 बिल्कुल। बी पार्ट में कोई डाउट? बी पार्ट देख लो पहले सॉल्यूशन। बी अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 5 बाय dx, इसको मैं लिख दूंगा d बाय dx ऑफ 3x प्लस 5 की पावर 1/2, और इसी पे बना देंगे बॉक्स। पावर आगे आएगी 3x प्लस 5, बॉक्स ओपन होगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो 3/2 इनटू 3x प्लस 5 हमारा आंसर आ जाएगा। सर 3x प्लस 5 के ऊपर माइनस माइनस 1/2 है ना सर? क्या हुआ? पावर माइनस 1/2, पावर माइनस 3x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2 क्यों भाई? 1/2 को हमने कंसीडर किया, पावर आगे आएगी। हां सर कर दिया। सी पार्ट, डी बाय डीएक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 1/2, फिर से वही चीज, इस पे बॉक्स बना देंगे 1/2 साइन एक्स की पावर माइनस 1/2, बॉक्स ओपन होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये हो गया सी पार्ट। डी पार्ट फॉर ई की पावर कॉट एक्स है हमारे पास, कॉट एक्स पे बॉक्स बना देंगे, 4 तो एज इट इज रहेगा, ई की पावर कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोई डाउट किसी को? ई पार्ट के अंदर साइन के अंदर कुछ गड़बड़ है, वहां बॉक्स बना दो, साइन बॉक्स का डिफरेंशिएशन कॉस बॉक्स इनटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। यहां टैन ऑफ समथिंग में गड़बड़ है, ठीक है ना? तो क्या कर दूंगा मैं एफ पार्ट के लिए, यहां पर आप देख सकते हो dx ऑफ tan बॉक्स के अंदर sec x, तो tan बॉक्स का हो गया sec स्क्वायर sec x into sec x का हो गया sec x tan x। इन दोनों sec x को मल्टीप्लाई मत कर देना, वो sec स्क्वायर के अंदर है, ठीक है ना? कुछ लोग इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर फंक्शन कुछ ज्यादा ही गंदे नहीं है? क्या कह रहे हो?
मतलब बहुत अजीब फंक्शन से। हाँ उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है हमें कौन सा सॉल्व करना है। सर e वाले में cos e raise to x है तो e raise to x एक एंगल है। कहाँ पर बेटा? e वाले में y is equal to sin e raise to x। हाँ e की पावर x एक एंगल है। अच्छा ओके ठीक है। यहाँ d by dx of e की पावर cos of 3x। अब यहाँ कितने बॉक्स बन जाएंगे भाई? दो। यहाँ बनेंगे दो बॉक्स cos 3x और 3x और एक यहाँ। ठीक है अगर पुट करें तो e की पावर बॉक्स का तो e की पावर बॉक्स हो गया तो एज इट इज cos ऑफ 3x बॉक्स ओपन हुआ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ 3x 3x का बॉक्स ओपन हुआ 3। क्लियर? h पार्ट के लिए d by dx of ln sin x square तो box जो हमें बनाना होगा वो box बनेगा ln के अंदर गड़बड़ है sin के अंदर गड़बड़ है तो ln x का differentiation यह आपको मिल जाता है 1 by x तो 1 by sin of x square इंटू बॉक्स ओपन होगा साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर बॉक्स ओपन होगा 2x। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो इसमें देख लेते हैं आगे जो है 1 बाय 2 पावर लिख दी जाएगी बेसिकली तो पावर आगे आएगी बॉक्स बना देंगे तो x की पावर 5 प्लस साइन एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 1 बाई 2 और डॉट अंदर वाली चीजों का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4 प्लस cos x। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके थ्री की पावर sin x 1 की पावर x वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो a की पावर x ln a डॉट बॉक्स ओपन होगा तो साइन एक्स का कॉस एक्स। जिसको डाउट आता जा रहा है प्लीज पूछते जाना। यहां पर e की पावर में दिक्कत है उसके बाद साइन के अंदर दिक्कत है और उसके बाद e की पावर में फिर दिक्कत है तो तीन बॉक्स हैं तो पहले डिफरेंशिएशन e की पावर बॉक्स का पूरा बॉक्स एज इट इज आ जाएगा। आप लिखोगे साइन e की पावर कॉस एक्स। पहला बॉक्स ओपन होगा साइन बॉक्स का कॉस बॉक्स तो कॉस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा e की पावर कॉस एक्स डॉट। अगला बॉक्स ओपन होगा e की पावर एक्स का e की पावर एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। किसी को कोई डाउट? सबसे लेंदी वाला यही था। तीन बॉक्स क्लास के अंदर भी कराया हुआ था। हाँ तीन बॉक्स वाला है तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। बोलो अभी भी डाउट है तो। चल एल पार्ट देख लेते हैं है ना। एल पार्ट के अंदर बेसिकली डी बाय डी एक्स ये लिखा गया है कॉसेक ऑफ x स्क्वायर x क्यूब माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर। तो पावर जब भी आती है हमें समझ आ जाता है इसके ऊपर बॉक्स बन जाएगा पहले तो x की पावर n हो जाए ताकि फिर यह अंदर समस्या वाली चीज है। तो x की पावर n का पावर आगे आई इंटू कोसेक x क्यूब माइनस e की पावर x पावर क्या हो जाएगी 1 है ना इनटू बॉक्स ओपन होगा कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स तो माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स इनटू अगला बॉक्स ओपन होगा तो
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर x, समझ आया? बॉक्स में आपको सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि काफी ज्यादा लेंदी दे दिया गया है ना, कोई डाउट? अगर इजी लगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब और सर लेंदी सिर्फ बॉक्स बना बना के, हाँ तो लेंदी बस मैं ये चाहता था कि कैसा भी आ जाए आपका गलत नहीं हो सकता सर, लास्ट वाला सर एनडी वाला थोड़ा डिफिकल्ट भी नहीं आएंगे टेन ई की पावर फोर एक्स, अब ये तो हद ही हो गई है, लेकिन आ गया सर थोड़ा अजीब था ये, ठीक है ना, तो साइन के अंदर आएगा, कॉस के अंदर आएगा, टेन के अंदर आएगा, ई की पावर में आएगा, बाप रे बाप। चार बॉक्स ओपन होंगे, सबसे पहले फोर तो एज इट इज है भाई, साइन बॉक्स का हो गया कॉस और ये पूरा कॉस ऑफ टेन बनेगा ही नहीं इसमें, टेन ऑफ ई की पावर ऑफ फोर एक्स, मल्टीप्लाई बाय, बॉक्स ओपन होगा, कॉस ऑफ समथिंग का हो गया माइनस साइन ऑफ समथिंग, तो माइनस साइन ऑफ टेन ऑफ ई की पावर फोर एक्स, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय, बॉक्स ओपन होगा टेन निकलेगा अंदर तो सेक स्क्वायर ई की पावर फोर एक्स, मल्टीप्लाई अंदर निकलेगा ई की पावर फोर एक्स इंटू फोर एक्स का होगा फोर, इतना गंदा कभी नहीं आने वाला पर अगर आ जाए तो हम कर सकते हैं। अगला कॉस एक्स की पावर 100 दिया गया है आपको, है ना, तो सिंपली किस पे बना दोगे, कॉस एक्स पॉइंटर की, बिल्कुल सॉरी, तो हम लिख देंगे यहां पर d by dx of cos x की पावर 100, ये दिया हुआ है आपको, है ना, सॉल्व करोगे पावर आगे आएगी 100 cos x की पावर 99 इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन माइनस साइन, क्लियर हुआ, बोलो भाई, यस, ओ पार्ट देख लेते हैं, ओ पार्ट के अंदर डी बाय डी एक्स ऑफ फोर टेन फोर एक्स की पावर माइनस वन बाय थ्री, ये सिंपल हो गया फिर से काफी, सर डिनोमिनेटर में रख के भी कर सकते हैं ना, कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा कितना 4, तो एज इट इज रहेगा, पावर आगे आएगी माइनस वन बाय थ्री टेन ऑफ फोर एक्स की पावर माइनस वन बाय थ्री माइनस वन माइनस फोर बाय थ्री माइनस फोर बाय टू टेन एक्स का सेक स्क्वायर फोर एक्स इंटू फोर एक्स का फोर, कोई डाउट किसी को, बोलिए भाई, नो सर, नो सर, पी पार्ट अगले में है, पी पार्ट हमारे पास, सर एक बार आप स्क्रॉल करोगे अभी ये ओ वाले में, हाँ सर एक मिनट, यस सर हो गया, पी पार्ट में हमें दिया गया है वाई इज तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू,
ऊपर भी x है नीचे भी x है, a और b कांस्टेंट है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो क्या लगाना होगा? डिवीजन रूल। नीचे वाला ऊपर जाएगा, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स माइन एक्स, ए एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। यही होता है हमारे डिवीजन रूल। बस ये बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? ए कोई कांस्टेंट है जैसे 2, 3, 4, तो सिर्फ ए बचेगा माइनस ए एक्स इंटू, इसमें क्या करेंगे, इसमें इसके ऊपर बॉक्स बना देंगे तो पावर आगे आएगी 3/2 बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 डॉट, बॉक्स ओपन होगा तो बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपॉन, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ? यस सर। सर ये वाले क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले जाके फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, सेम आंसर ही आएगा, है ना? ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन आ रहा है, नहीं वो रीअरेंज करने पर सेम ही बन जाएगा, वो सब टेंशन की बात नहीं है, आपका आंसर कोई गलत नहीं करेगा। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये शायद क्वेश्चन। हाँ भाई, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दो अलग अलग फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, एक्स क्यूब एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, प्रोडक्ट रूल लगाया है मैंने बस, है ना? क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब इंटू, बॉक्स बना दोगे इसके ऊपर, अब तो समझ आने लग गया होगा शायद इतने क्वेश्चंस के बाद, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एक सेकेंड बेटा, माइनस 1/2 इंटू 2x प्लस कॉस एक्स चेन रूल से, प्लस ये एज इट इज इंटू 3x स्क्वायर। अब बोलो क्या कह रहे हो? सर मतलब वो फर्स्ट स्टेप तक करके नहीं छोड़ सकते क्या? बस यहाँ तक लिख के? हाँ सर। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते भाई, ये कौन बताएगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है? ओ ये सर किया थोड़ी है, यहाँ तो लिख दिया है बस, मैंने ध्यान नहीं दिया सर। क्लियर है सर? ये आपने आंसर में ये रूट लगाया है पर हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं। हाँ ये सब तो यार ऑब्वियस लिख सकते हैं। सारे इजी वाले तो सही हो रहे हैं बट हार्ड वाले में ही दिक्कत आती है। वो तो ऑब्वियस है बेटा, इजी क्वेश्चन तो सही होंगे ही हमेशा, हार्ड में ही दिक्कत आएगी, तरीका बस प्रैक्टिस है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो बस, एक ही चीज है जो करनी है, बॉक्स बनाने के बारे में सोचना है और उसे फॉलो करते जाना है। ऑल्दो इतने गंदे फंक्शंस कभी नहीं आने वाले, मैक्सिमम साइन कॉस टेन ये सब के साथ डील करोगे आप। मींस लास्ट टाइम जब किया था उससे थोड़ा अच्छा है। ऑब्वियसली धीरे धीरे बेटर होता जाएगा, अभी जैसे मैकेनिक्स में इसका यूज आएगा, काइनेमेटिक्स में, तो ये सब बहुत हलवा लगने लगेगा। तुम ये समझ लो कि 2-3 महीने बाद सोचोगे कि इसको भी हम कुछ समझ रहे थे। सब नहीं होंगे, कुछ बच्चे रहते हैं 12th के एंड तक जिन्हें कभी चेन रूल आ ही नहीं पाता या फॉर्मूले ही याद नहीं होते, ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो उसी में लौट जाएंगे वो। सर डीमोटिवेट मत कीजिए।
मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ क्रिश जी, ठीक है? सच्चाई मुझे बताना, मेरा काम है वो मैं बता रहा हूँ। हर साल एडमिशन होता है, हर साल बच्चे आते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, ठीक है ना? ऑब्वियसली आप मेहनत करोगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, आप वेले डले रहोगे और उम्मीद करोगे कि हम एंटाइटल्ड हैं, हमें सब मिल जाए, तो जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है? एक ही बैच होता है, एक ही टीचर होता है, एक ही बुक्स होती हैं, मटेरियल सब कुछ सेम होता है, पढ़ाने का तरीका सेम है, उसके बावजूद एक बच्चा ऑलमोस्ट फुल मार्क्स ले आएगा और एक के 10 मार्क्स भी नहीं आ रहे होंगे। तो अगर सब कुछ सेम था तो अलग क्या था? बस आपके प्रिपरेशन का तरीका, आपका मेहनत। तो उसके लिए ब्लेम जब करने बैठो तो खुद ही को करना और किसी को मत करना। मैं बस आगे के लिए बता रहा हूँ, अभी तो चीजें बहुत आसान है। हाँ बोलो। मतलब ऐसे ही पूछ रहा था कि आकाश में 11th में मैथ सेक्शन में कितनी बैचेस है? मैथ सेक्शन, इंजीनियरिंग सेक्शन पूछ रहे हो? हाँ हाँ वही वही। अभी तो तुम ही लोगों की क्लासेस चल रही हैं, एक हमारा पहले का बैच था वो चल रहा होगा। अच्छा ओके। बाकी बैचेस, टाइमिंग, टाइम टेबल, शेड्यूल, मॉड्यूल, इन सबसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो ईडीपी सर या रोहन सर से ही पूछ सकते हो आप, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, ठीक है? चलो, तो जैसा कि भाई ने कहा कि उन्हें टफ वाले क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं, तो बेटा बिल्कुल लग रहे होंगे, पर अगर आप इस समय पे थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आगे चल के सब बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना? तुम ये सोचोगे कि मैं इसे मुश्किल मान भी क्यों रहा था, और ऐसा सोचो जब आप 10th में थे तो आप 10th में थे तो 10th की पढ़ाई मुश्किल लगती थी, अब 11th में आए तो 10th की आसान लगने लगी। उसका कारण यही है, जब हमें और मुश्किल चीजें मिलती हैं तो पुरानी आसान लगने ही लग जाती है ना? तो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा पुरानी चीजें इजी होती जाएंगी, तो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आईआईटी में चले जाएंगे तो हमें 11 12th ऐसे इजी लगने लगेगा। बिल्कुल लगने लगेगी भाई, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, देख रहे हो ना, यही होता है। चलो आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो फाइनल क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज साइन 4x बहुत ही गंदा रहता सर, इसमें सबको इंडिविजुअली कर सकते हो और फिर लास्ट में सबको साथ में लिख सकते ना? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, कैसे भी करो आंसर आना चाहिए। हाँ बस सर, e की पावर cos x 3 लाख का आंसर 4 नहीं सर। देखो अब यही आपका डिफरेंस दिख रहा है आपको, किसी का 2 लाइन का है, किसी का 5 लाइन का है, माइनस साइन स्क्वायर है। देखो आप अगर चाहोगे ना खुश रखना तो बहुत आसान होता है। पर इसमें स्टेप स्किप कर सकते हैं ना इसमें तो? अभी बेटा आप आंसर ले आओ, बस हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी करो बस। आप चाहोगे तो मैं आसान आसान सवाल कराऊंगा, आपको सब अच्छा लगता रहेगा, खुश रहोगे, पर उसका कोई फायदा नहीं ना। सच्चाई से भागने का क्या फायदा है? तो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं, पर वही की उसी की तैयारी करनी है हमें, और क्या, आसान तो सब कर लेंगे। चलो ये लो भाई, तो इसमें सारे रूल थे इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था। चेन रूल है इसमें, डिवीजन रूल है इसमें, एडिशन रूल है इसमें, सब कुछ है। तो मैं पूरा स्टेप वाइज करके दिखा रहा हूँ, ऑल्दो डायरेक्टली आंसर लिखना भी इसका पॉसिबल है, जैसे मैं लिख सकता हूँ इसका डायरेक्टली आंसर, आप भी लिख सकोगे बस एक दो हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद, है ना? तो सबसे पहले तो d by dx of sin 4x plus d by dx of e की पावर cos x 3 की पावर x minus d by dx of sin square x by ln 7x की पावर 1 by 2 plus 4 by साइन एक्स की पावर 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स। ऑब्वियसली ये तो मैंने लगा दिया एडिशन रूल। अब सबसे पहले मुझे दिखा साइन 4x, 4x में समस्या है, बॉक्स बना दिया, साइन 4x का आ जाएगा कॉस 4x और इंटू 4x का आ जाएगा 4, पहला हो गया, क्लियर है? दूसरा e की पावर x, e की पावर cos x इंटू 3 की पावर x, तो इसे कर देंगे e की पावर cos x
इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ थ्री की पावर एक्स लगाएंगे। बिल्कुल प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं, डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर कॉस एक्स, समझ आया? माइनस ये एक एक को अलग अलग ही कर लेते हैं फटाफट फटाफट ताकि टाइम वेस्ट ना हो, एक एक करके मैं कर देता हूँ। इसको क्या कर सकते हैं आगे, e की पावर cos x एज इट इज इंटू थ्री की पावर x का थ्री की पावर x ln 3 प्लस थ्री की पावर x e की पावर cos x है, बॉक्स बना दिया तो e की पावर cos x इंटू माइनस साइन x, ये इसका डिफ्रेंसिएशन खत्म हो गया। क्लियर हुआ? प्लस इस वाली टर्म के लिए क्या लिख देंगे, इसके लिए लिख देंगे d, नीचे वाला ऊपर जाएगा पहले, यानी कि ln 7x की पावर 1/2 सर इसमें डिवीजन कर सकते हैं, डिवीजन रूल ही तो लगा रहा हूं बेटा, d by dx ऑफ sin x का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x इनटू d by dx ऑफ ln 7x की पावर 1/2 अपॉन ln 7x, समझ आया? बस इसे डिफरेंशिएट कर दो। सर मैंने इसे मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपलीफाई कर लिया है तो चलेगा? बिल्कुल बेटा कुछ भी कर लो, मैं बोलता तो जा रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास, ये सेम रहेगा अंडर रूट ऑफ ln 7x इनटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स के ऊपर बॉक्स बनाया, पावर आगे आ जाएगी तो 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1/2 ln 7x की पावर माइनस 1/2 और इंटू ln 7x का बॉक्स बना देते हो अगर तो 1/7x, समझ आ रहा है? ये वाला ये अकेला को ही काफी था सर, सबको ऐड इनटू 7 हां सर, कुछ नहीं वो बाकी के ऊपर जो इजी इजी करे थे उसमें ऐड या सबट्रैक्ट से जॉइन करना था। कोई डाउट है क्या बेटा, कुछ डाउट बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर सिर्फ ये बोल रहा था कि ये वाले क्वेश्चन में से ऊपर के तो इजी वाले क्वेश्चंस करे थे ना उसमें आइडिया नहीं लगाना था, और कुछ नहीं करना, बस और कुछ क्या होगा। और ये ले लो फाइनली तो ये माइनस 1/2 पावर हो जाएगी तो 4 इंटू माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है ना, साइन एक्स की पावर माइनस 3/2 इंटू कॉस एक्स, और इन सभी को ऐड या सब्ट्रैक्शन वाले साइन से पुट कर दें। तो क्योंकि ये डिफरेंशिएशन खत्म हो रहा था, चेन रूल फाइनल था, इसलिए इतने गंदे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, e की पावर मैक्सिमम साइन एक्स आपको मिलेगा और कुछ नहीं। सर बोलो। सर वो आपको तो साइन एक्स रेस टू पावर 1/2 तो माइनस 3/2 थोड़ी आएगा, वो नेगेटिव, हम उसको ऊपर थोड़ी ले जा रहे हैं। क्यों नहीं ले जा रहे बेटा, ले जाओ ना। अगर हम उसे डिवीजन रूल के साथ करें तब तो नहीं होगा, डिवीजन रूल के साथ बहुत लंबा हो जाएगा। 4 का डिफरेंशिएशन, 4 एक कांस्टेंट है ना भाई, 4 को भी एक फंक्शन मान रहे हो क्या आप, करोगे उससे भी आएगा, बस लेंथ ही आएगा, सेम आंसर आएगा। ओके और बोलो, और कोई डाउट? सर ये वाला राइट पड़ा लेकिन ए बी वाला रॉन्ग पड़ गया। ए बी वाला वो तो बहुत इजी था। हाँ सर वो मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, जो भी छोटी मोटी गलतियां होंगी उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे हम, है ना। वो एक्चुअली 12th में आएगा जो ए बी वाला था ना, वो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो मैंने ऐसे दे दिया था 12th में, मैं उसे फिर से डिफरेंशिएट कराऊंगा आपसे, पहले ही चैप्टर 12th का जो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला है। सर हाँ बोलो। सर आपने जो DPP3 में वो ओमेगा वाला क्वेश्चन है ना, उसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? फॉर्मूला नहीं बेटा, उसमें थोड़ा लॉजिक यूज होगा, आपको रिलेशन निकालनी पड़ेगी एंगल के बीच में
x जो डिस्टेंस वॉल से है उसके बीच में और जो आपका स्पॉट ऊपर जा रहा होगा उसके बीच में। तो वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी काइनेमेटिक्स का भी वो सर्कुलर मोशन के अंदर कराया जाएगा आगे 11th में, पर मैंने अभी दिया है, वो बेसिक मैथ से भी हो सकता है, मैं उसे सर्कुलर मोशन में भी कराऊंगा, तब आपको अगर याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे मेथड से करेंगे सर्कुलर मोशन में हम, पर बेसिक मैथ से भी वो हो सकता है। और कोई डाउट सर? आप वो डीपीपी सॉल्व करने की क्वेश्चन का एक हिंट दे देंगे? फिफ्थ क्वेश्चन, एक सेकंड में देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 सर डीपीपी 3 दिया उसमें थोड़े डाउट्स है तो वो कब पूछ सकते हैं बेटा? जैसे क्लास में अभी डिस्कस हुआ वैसे वो डिस्कस होगा है ना सर? वो फोर्थ वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेटेड है ना फिफ्थ वाला, देख लेता हूँ एक बार बस। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ तो 5 में आप ऐसा इमेजिन करो वो जो लाइट स्ट्रीट लैंप से निकल रही है उसके सर पे टच हो रही है और नीचे जो गिर रही है कि नहीं, तो जो ट्रायंगल का एज है ना जो हॉरिजॉन्टल में, वो शेडो का हेड होगा है कि नहीं? शेडो जो बनेगी आदमी की वो छोटा वाला जो ट्रायंगल का बेस है वही तो होगी शैडो की लेंथ। हाँ, yes, तो उस डिस्टेंस को ना वाई निकाल लेना सर। निकाल लिया था फिर उसके बाद सर हमें ऐसा निकालना मतलब सोच सर लॉन्गेस्ट पूछिए ना, लॉन्गेस्ट लेंथ तो सर उसमें लॉन्गेस्ट लेंथ जो... कहाँ पूछिए भाई, लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस ऑन द ग्राउंड, तो रेट पूछिए स्पीड पूछिए। तो सर पहले हमें उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी जिसकी वजह से डिस्टेंस तो वेरिएबल है बेटा, एक्स वेरिएबल है वाई वेरिएबल है, आपको लेंथ वाई मान लेनी चाहिए शैडो की जो छोटे ट्रायंगल का बेस है ना, फिर वो जो एंगल है उसे थीटा मानते हुए टेन थीटा की रिलेशन निकाल कर और डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करके रेट ऑफ चेंज निकालना है। बेसिकली जो एक्स के साइड में आप वाई अज्यूम करोगे ट्रायंगल का बेस, उसका रेट ऑफ चेंज आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्लास में कराऊंगा इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये वाली जो डीपीपी है सर इसको जल्दी वो पूरे ट्रायंगल का कंसीडर करना है, बड़े का भी करना है छोटे का भी करना है तभी रिलेशन आ पाएगी ना। ओके, आप थीटा मान टेन थीटा लिखो बड़े वाले के लिए भी छोटे वाले के लिए और दोनों को इक्वेट करो, वहां से एक्स और वाई में रिलेशन आएगी। एक्स किस रेट से बढ़ रहा है वो आपको पता है, y किस रेट से बढ़ेगा वो आपको निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे इस DPP को काफी ध्यान से सॉल्व करना, काफी टाइम लेके डिस्कस करेंगे हम इसे है ना, ऑलमोस्ट एक पूरी क्लास जाएगी क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का एंड है और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी, बाकी ये सब टाइम पास था। DPP 2 में जो गंदे क्वेश्चन है वो किसी काम के नहीं है, ठीक है? और कोई डाउट में तक का टाइम दिया है ना? हां आराम से 5th मई के एंड तक, यानी 6th मई को मैं देखूंगा, ठीक है सर? वो हमें भेजनी है ना एमएस टीम्स पे? हाँ एमएस टीम्स में असाइनमेंट में जाके सबमिट कर सकते हो सर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तब क्या करें? हाँ बेटा उसे स्किप कर दो। ओके स्किप कर दिया करो, कोई क्वेश्चन जो नहीं आ रहा आपका उस पे लिख दो नॉट एबल टू डू बस। सर ऑलमोस्ट आधे नहीं आ रहे सर, बहुत सारे नए नए दोस्त नहीं आ रहे वो यार। ये कोई आप कैसे बातें करते हो यार, नहीं आ रहे तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा मुझे ये बताओ? आप सिखाओगे जब 5th में 6th में आएंगे, जब डिस्कस करेंगे तब आप सीखोगे है कि नहीं? नहीं तो यार कुछ सारी चीजें नई हैं तो कई क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब क्या किया जाए उसमें? मैंने आपको जब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आप मेरा मेथड देखना, जब आप मेरा मेथड देखोगे तो आपको समझ आएगा ये कुछ नया नहीं कर रहा, ये एक ही चीज करते रहते हैं, क्योंकि करनी एक चीज है हमें, रिलेशन निकाल के एक फंक्शन बना के और रेट ऑफ चेंज निकालना है बस। अब इसके बाद आप आपका ब्रेन कैसे डेवलप होगा, मैं अगर आपको जैसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं तो उससे क्या ग्रोथ हुई? जीरो ग्रोथ, कुछ ग्रोथ नहीं हुई। यहाँ अलग तरह का क्वेश्चन है जिसमें आप सोच सकते हो, सोचने का काम है आपका, सोच पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पाए तो जब डिस्कशन होगा तब सीखेंगे और दिमाग में रखेंगे।
पूरा सिलेबस ऐसे ही चलने वाला है, आपका देखा हुआ क्वेश्चन जेई के अंदर नहीं आने वाला कभी भी एडवांस के अंदर, समझ आ रही है बात? कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते, ठीक है? मेंस वगैरह में हो भी जाते हैं, एडवांस में तो कभी नहीं होते। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, अटेम्प्ट करो। आपसे सारे क्वेश्चन नहीं हुए ना तो भी कोई बात नहीं, आप एक पेपर ले लो उस पर कह दो नॉट एबल टू डू एनी थिंग, ओके कोई दिक्कत नहीं है, मैं नोट डाउन कर लूंगा इस बच्चे को कुछ नहीं आया, मैं बस आपके पीडीएफ को देख के ये देखता हूँ कि कौन बच्चा कितने क्वेश्चन कर पा रहा है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा लैग करता है, तो उससे फिर मैं अलग से बात करूँगा कि भाई क्या समस्या है, क्या कर सकते हैं बेटर करने के लिए। तो आपका भी तो एम वही है ना, भले आपसे कुछ भी ना हो तो आप मुझसे बात तो करोगे ना कि सर कुछ नहीं हो पा रहा, बताओ क्या करा जाए, ठीक है? तो वो डीपीपी जब आप टर्न इन करोगे और आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए होंगे तो उससे ही पता लगेगा, ठीक है? और बोलो भाई। सर वो मैं मतलब ये 4-5 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन था, तो फिर वो डीपीपी 1 और 2 मेरा सबमिट नहीं हुआ, तो अभी सबमिट कर दूं? रहने दो बेटा, कुछ फायदा नहीं है, आपको आती है चीजें, आती भी नहीं होंगी अगर आप 4-5 दिन आउट ऑफ स्टेशन थे। लेकिन उधर क्लासेस तो करी थी लेकिन मतलब बुक्स नहीं थी मेरे पास। तो आपने प्रैक्टिस नहीं की ना, खुद की प्रैक्टिस के लिए आपको सॉल्व करना जरूर जरूरी है। आप सॉल्व कर लो और जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे भेज सकते हो व्हाट्सएप पर, ठीक है? सबमिट करने की अब जरूरत नहीं है, पर आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं, ठीक है? तो बेसिक मैथ्स का सेकंड पोर्शन इंटीग्रेशन, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है? चलो भाई, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन होता क्या है? तो इट इज अ प्रोसेस टू कैलकुलेट एरिया अंडर एनी कर्व। बात समझ आई? स्टैंडर्ड शेप हम सभी को पता थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इनका एरिया आपको याद रहता है। पर अगर आपसे कोई बोल दे कि ये मैंने एक कर्व बनाया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैंने ये एक कर्व बना दिया है, और बताओ कि इसके अंदर जो बाउंड एरिया होगा वो कितना होगा। बाउंड एरिया का मतलब ये जो एरिया है इसकी वैल्यू कितनी है। तो ये कोई स्टैंडर्ड शेप तो है नहीं, अगर ये स्टैंडर्ड शेप नहीं है तो इसका रिजल्ट स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम एरिया किस तरह से निकालेंगे? तो ये जो एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर कर्व है, ये कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसे डिफरेंशिएशन का यूज था किसी भी रैंडम कर्व के, कोई भी रैंडम कर्व हो उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पर बनाए गए टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करना, वैसे ही इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिससे आप किसी भी रैंडम कर्व के बाउंड एरिया को, के अंदर के एरिया को कैलकुलेट करके हमें बता सकते हो। बात समझ आई? अभी तक आपने ऐसा देखा कि सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो आप निकाल ही पा रहे थे, इंटीग्रेशन में खास बात यह है कि सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ फंक्शंस इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं या इतने अजीब हो जाते हैं कि उनका इंटीग्रेशन कर पाना पॉसिबल ही नहीं होगा, पर ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर चले जाएंगे, है कि नहीं? तो आप जो हमेशा फेस करोगे काफी सिंपल क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, जनरली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच की रिलेशंस होती हैं, है ना? तो वो काफ़ी सिंपल रहती है और इंटीग्रेशन भी काफ़ी सिंपल रहता है। थोड़ा सा भाई ये कॉम्प्लेक्स होता है जाके, पर वो क्लास 12th मैथ्स के अंदर, तो वो आगे की बात है, उसकी चिंता अभी से नहीं करनी, ठीक है? तो अभी तो बस आपको क्या याद रखना है, इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिससे मैं किसी कर्व का बाउंड एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन के बारे में एक और खास बात है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये चीज हमें थोड़ी सी हेल्प कर जाती है
फॉर्मूले याद रखने में. बेसिकली अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसको डिफरेंशिएट जब आपने किया तो कुछ नया फंक्शन मिलता है हमें जी एक्स. जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलता है, 2x मिलता है कि नहीं मिलता? तो यहां बोला जाता है कि अगर आप जी एक्स को इंटीग्रेट करो तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, एफ एक्स मिल जाना चाहिए. बात समझ आई? तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का. ये आपको याद रखना है. अब डिफरेंस इंटीग्रेशन जो होगा वो दो टाइप के होंगे. हाँ बोलो. आप ये अभी जो आपने पढ़ा है वो एक और बार बताएंगे? डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, ये मैंने बोला है. तो अगर किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो एफ एक्स को, आपको जी एक्स मिलता है, तो जी एक्स को इंटीग्रेट करके आपको एफ एक्स मिलना चाहिए. ठीक है? ओके सर. इंटीग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं. पहला टाइप कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. और दूसरा कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन. तो इनडेफिनेट का मतलब हो गया नॉट डिफाइंड. ठीक है ना, कोई लिमिट डिफाइंड नहीं होती. जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम एक लिमिट के अंदर काम करते हैं. इसका मतलब ज्यादा अच्छे से ऐसे समझ पाओगे आप कि मान लो आपके पास एक्स वाई कर्व है, ठीक है ना, और किसी ने बोला कि इस कर्व का बाउंड एरिया निकालो, तो उसे आप निकालते हो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से. पर उसी में सेम कर्व के लिए कोई मुझसे ये कह दे कि भाई x इज इक्वल टू एक्स वन से लेके x इज इक्वल टू एक्स टू तक जितना एरिया बाउंड है सिर्फ वो मुझे बताओ, तो उसे आप कहते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन. उसे आप निकालते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन से. बात समझ आ रही है? जब पूरा एरिया निकालना है कर्व के अंदर का, तो उसे हम निकालते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से. यानी कि यहां कोई लिमिट नहीं दी गई है हमें. जबकि अगर बता दिया जाए कि यहां से लेके यहां तक का एरिया सिर्फ आपको निकालना है, तो उसे हम निकालते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से. यानी इसके अंदर लिमिट्स यूज की जाती हैं. बात समझ आए? तो जहां से एरिया कैलकुलेट करना शुरू करना है उसे तो मैं कहता हूं लोअर लिमिट, और जहां तक एरिया कैलकुलेट करना है उसे मैं कहता हूं अपर लिमिट. हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे. पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे और उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे. किसी को कोई डाउट यहां तक? सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट का पार्ट होगा ना? हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपने बस एक्स की वैल्यूज पुट कर दी. तो अगर आपको इनडेफिनेट आ जाएगा तो डेफिनेट में बस एक स्टेप और बढ़ेगा, बाकी सब कुछ सेम. क्लियर? तो इनके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो हो जाता है ये. समझ आया? एफ एक्स इंटू डी एक्स. ये जो साइन है ये साइन है आपका इंटीग्रेशन का. जहां ये आपका फंक्शन है, मान लेते हैं एफ एक्स, तो इस तरह से अगर लिखा गया है तो वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. जबकि अगर एफ एक्स इंटू डी एक्स ये लिखा गया है एक्स वन से लेके एक्स टू तक, लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन. तो दोनों के सिंबल में यानी लिखने के तरीके में जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ रहा होगा. इंटीग्रेशन में बस एक ऐसा एस जैसा सांप जैसा बना देते हैं, है ना, पर उसमें कोई लिमिट नहीं लगाते.
डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या कर देते हैं, लोअर लिमिट को नीचे लगा देते हैं, अपर लिमिट को ऊपर लगा देते हैं, तो देखने में सिर्फ ये डिफरेंस होता है रिप्रेजेंटेशन। कोई समस्या? सर ये डी ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स ना, मतलब क्या कह रहे हो भाई? डी ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स ना? नहीं नहीं, ये जो लिखा हुआ है, ये टर्म लिखी हुई है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डिफरेंशिएशन में dx नीचे आता था, है कि नहीं, तो हम कहते थे डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग नीचे अगर dx है तो विद रिस्पेक्ट टू x, ये पढ़ते थे आप। इसमें जो मल्टीप्लीकेशन में जिसका d लिखा होगा उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। जैसे कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ योर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t। समझ आई बात? तो डिफरेंशिएशन में, हाँ बोलो। यस हाँ सर, हमारे डिफरेंशिएशन में y की वैल्यू होती थी और फिर x की होती थी, इसमें ऐसा होता है या फिर इसमें सिर्फ x होता है? मतलब डिफरेंशिएशन में y और x दो होते थे ना, dy by dx। बेटा ये फंक्शन y तो होता है यार, y is equal to fx ही तो लिखते हैं, y तो लिखा हुआ है। ओके सो y dot dx, ओके सर समझ। मैं अभी बता रहा हूँ बस, ठीक है। अब ये आया कहाँ से ये देख लेते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये आया कहाँ से। तो हुआ क्या, कहानी जो चलती है वो मैं आपको सुना देता हूँ, स्टैंडर्ड कहानी है कि ग्राफ था x एक्सिस का और y एक्सिस का, और किसी ने एक रैंडम कर्व बना दिया था और बोला कि भाई इस कर्व ने जितना एरिया बाउंड किया है वो कैलकुलेट करके बताओ। तो लोगों को उस समय एक एरिया पता था, वो है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया विश्व प्रसिद्ध था, जो कि सिंपली क्या हो जाता है, लेंथ इंटू विड्थ। समझ आया कि नहीं? तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम किसी x1 पे जाएं। अगर हम x1 पे जाएंगे तो हमें कुछ y1 मिलेगा, है कि नहीं? उन्होंने कहा कि x1 से थोड़ा आगे बढ़ जाओ। अब बड़े तो बहुत थोड़ा आगे थे, आपको दिख सके इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं। तो यहां पहुंचे x1 प्लस dx पे। अब dx तो आपको पता है ना कितना बड़ा होता है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। समझ आई बात? अरे बोलो। यस सर। हाँ यस सर। तो उस पे ऑलमोस्ट y क्या आ जाएगा, सेम, ऑल्दो इतना सा गैप बचेगा, ये देख रहे हो ना आप, ये छोटा सा ट्रायंगल ऊपर बचता हुआ दिखेगा। पर अगर ये इसको मैं छोटा करते जाऊं, ऐसा सोचो कि ये दोनों पॉइंट्स अगर पास आते जाएं तो वो ट्रायंगल छोटा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? ये जो एक्स्ट्रा सा ट्रायंगल ऊपर बच रहा है, ये जो एरिया है होगा, ये रेक्टेंगल बन गया एक, तो है ना, ऊपर ही छोटा सा ट्रायंगल बच रहा है। पर अगर ये दोनों पॉइंट्स को पास ले आऊं, मैं x1 और x1 plus dx को पास ले आऊं, तो बहुत पास ले आऊं अगर, तो वो ट्रायंगल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा कि नहीं? हम तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल की बात कर रहे हैं, ये तो हद से ज्यादा छोटा है dx। तो न्यूटन ने कहा भाई आप इस रेक्टेंगल का एरिया लिख दो। तो उन्होंने कहा छोटा सा एरिया वन जो आया भाई, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लेंथ हो गई y1 इंटू विड्थ हो गई dx। आदमी ने पूछा अब क्या करें, तो न्यूटन ने कहा आप एक और वैल्यू लो इसके बाद वाली, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम एक और रेक्टेंगल बना लेंगे dx थिकनेस का, ये किसी x2 पे बना होगा, dx डिस्टेंस आगे, उस पे कुछ वैल्यू y2 मिल गई होगी, है कि नहीं? तो फिर से वही उसका एरिया लिखा गया dA2, और dA2 को लिख दिया गया y2 into dx। आगे एक और रेक्टेंगल बनाया गया। ऐसे जीवन भर अगर आप रेक्टेंगल बनाते रहो आजीवन, तो आपको थियोरेटिकली टोटल एरिया मिल जाना चाहिए, पर अब जीवन भर तो कोई ऐड करेगा नहीं एरिया को, इसीलिए न्यूटन ने हमें बता दिया
कि इन सभी के एडिशन का जो टोटल एरिया मैं निकालूंगा, टोटल एरिया, वो अगर आप मेरा प्रोसेस फॉलो कर लो, ए इस सभी के एडिशन को आप देखो तो क्या आ रहा है, वाई वन डी एक्स प्लस वाई टू डी एक्स प्लस वाई थ्री डी एक्स, तो जनरल लिख दो y, या इस तरह से अगर मैं लिखूं, आपने मैथ्स में समेशन का सिंबल तो देखा ही होगा ना, यस सर, हाँ, सिग्मा को अगर ऐड कर दूं तो जनरल आप क्या लिखते हो, y डॉट डी एक्स, है ना, या y i लिख दें यहाँ पे, अगर i वन से लेके n तक कोई भी जनरल इनफाइनाइट, समझ रहे हो ना बात, तो आप क्या कर सकते हो, एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो उन्होंने इसी चीज को एक्सप्रेस करने का एक तरीका बता दिया, जनरल y इनटू dx, समझ आई बात, तो ये अगर आप यूज करते हो तो आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। अब वो प्रोसेस क्या है जिससे ये जो इनफाइनाइट स्टेप्स थे कि हम जीवन भर ऐड करते रहते एरिया, वो एलिमिनेट हो गए, वो प्रोसेस हम अभी सीखेंगे। तो ये इसका मतलब क्लियर हुआ कि नहीं, y डॉट डी एक्स इसका मतलब हो गया सिंपली एरिया बाउंड, एरिया बाउंड अंडर कर्व, क्लियर हुआ? यस सर, हाँ सर, यस। चलो एक बहुत ही जरूरी चीज यहाँ पे आपको ये अब क्लियर हो जाना चाहिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया आपका कर्व। चलो अगर मैं चाहता हूं ये एरिया कैलकुलेट करना, तो इसे मैं कैसे एक्सप्रेस करता हूं, इसे आप एक्सप्रेस करते हो कि एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है कि नहीं? यस सर। पर अगर उसे कोई बोले ये क्या है, ये एरिया किसका है, ये है एरिया बाउंड बाय कर्व, एरिया बाउंड बाय कर्व विद एक्स एक्सिस, अरे है कि नहीं, ये तो सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ है ना, आप देख सकते हो। सिमिलरली कोई अगर बोलता कि आप ये एरिया बताओ, यानी एरिया बाउंड बाय कर्व विद वाई एक्सिस कितना होगा ये बताओ, तो आप रेक्टेंगल कैसे लेते, बाउंड बाय कर्व विद वाई एक्सिस लेते रेक्टेंगल। अब जो रेक्टेंगल लिए गए होते ना भाई, तो कुछ ऐसे लिए गए इस तरह से, समझ आ रहा है, डीवाई डीवाई थिकनेस के, अरे है कि नहीं? यस सर। तो एरिया की एक्सप्रेशन क्या आती, एरिया को आप कहते इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, इसमें ना कई लोग लौट जाते हैं एकदम, जीवन खत्म हो जाता है उनका, पर आपको क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं हम। सर एक बार आप रिपीट कर रहे हो ना, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकता हूं, वाई कर सकते, तो जब आप वाई एक्सिस के साथ एरिया बाउंड निकालना चाहोगे तो आप जो रेक्टेंगल चूज करोगे वो अब हॉरिजॉन्टल होंगे, जो पहले वर्टिकल थे। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स इमेजिन कर रहे हैं तो वो डी वाई डी वाई थिकनेस के होंगे, तो जो एरिया आप छोटा सा लिखोगे उसे लिखोगे एक्स वन डी वाई प्लस एक्स टू डी वाई प्लस एक्स थ्री डी वाई, तो जनरल होगा एक्स डी वाई। आप तो ये याद रखो, जिसका डी लिखा होता है उसकी एक्सिस के साथ एरिया बाउंड निकालते हैं हम, बात समझ आए, जिसका डी लिखा होता है उसकी एक्सिस के साथ कर्व का बाउंड एरिया आप कैलकुलेट करते हो, क्लियर हुआ सर? ओके सर। हाँ सर, अगर मैं इनफाइनाइट इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन लूँ तो सर मेरे को दिख रहा है ग्राफ में कि हर एक पॉइंट पे वो लाइन कुछ डिग्री कर्व हो रही है,
तो सर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को तो टच करेगी, तो सर वैसे तो वो पूरा एरिया आ जाना चाहिए। नहीं करा तो? सर अगर कर गया तो? कर गया तो निकाल लो। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? निकालो ना, तुम्हारा टैलेंट है, तुम निकालोगे, मैं कैसे बताऊं? ये लो निकालो, कैसे निकालोगे बोलो। ये लो y is equal to sin x, मैं तो ग्राफ भी बता देता हूँ। ये लो, ये जीरो है और ये भाई आपका पाए है, ठीक है? निकालो, कर की इक्वेशन भी दे दी, सब दे दिया, बिना इंटीग्रेशन के निकालो, कैसे निकालोगे? इनफाइनाइटिसमली स्मॉल रेक्टेंगल्स लेते रहो जीवन भर। सर अगर एक पूरा सेमी सर्कल ही बन गया तो? हाँ वो बेटा सर्कल का एरिया यूज कर लें, कैसी बातें कर रहे हो भाई। अगर ऐसा कर्व हो जिसका एरिया नहीं पता तो यूज करेंगे ना, पर वो सर्कल का एरिया आया कहाँ से, उसको भी यहाँ से निकाल सकते हैं। इलिप्स का एरिया जो मैंने आपको लिखाया था पाए भी, उसको भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ये ब्रह्मास्त्र है, इससे आप किसी भी कर्व का एरिया निकाल सकते हो। तो जो जाने पहचाने हैं वो तो ठीक है, पर जो अनजाने हैं उनको कैसे निकालेंगे ऐसे? और फिजिक्स में क्या काम आता है इसका? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो पीवी कर्व के अंदर बाउंड एरिया वर्क डन बाय गैस होता है, उसके लिए मैं ये सिखा रहा हूँ। समझ आ रही है बात? Yes, तो याद रखना, डिफरेंशिएशन में सिर्फ डीवाई बाई डी एक्स स्लोप होता है ना, डीएक्स बाई डी वाई कुछ नहीं होता। डिफरेंशिएशन में सिर्फ डीवाई बाई डी एक्स स्लोप होता है, पर इंटीग्रेशन में वाई डी एक्स भी हो सकता है और एक्स डी वाई भी हो सकता है, क्योंकि एक कर्व एक्स एक्सिस के साथ बाउंड एरिया भी बना सकता है और वाई एक्सिस के साथ बाउंड एरिया भी बना सकता है। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो जिसका डी लिखा हो या जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, एरिया उस एक्सिस के साथ निकाला जाता है। सर हाँ बोलो। सर ये dy वाला हमने जो आपने जो सेकंड एग्जांपल बताया सर, लेकिन हम उसमें x एक्सिस को अगर पैरेलल शिफ्ट करके सामने रख दे तो क्या? क्या सर ये जो ग्राफ आपने बताया एक्स वाई, तो फिर हम इमेजिनरी लाइन x यहाँ पर ड्रॉ कर दें x डैश उसके पैरेलल। कहाँ ड्रॉ करते हैं x डैश? y के साथ, y के परपेंडिकुलर में। ये अरे पीछे एकदम लास्ट में। एकदम लास्ट क्या होता है भाई? अरे सर y के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर में, ऐसा बोल रहा हूँ, पैरेललोग्राम टाइप फॉर्म करे वैसा। y के पैरेलल में x सर वो परपेंडिकुलर बोल रहा है y एक्सिस के शायद। तो बेटा मैं परपेंडिकुलर लाइन ही तो बना रहा हूँ y एक्सिस के। नहीं सर x डैश उसके परपेंडिकुलर x एक्सिस के, वैसा वो बोल रहा है। नहीं ऐसा नहीं बोल रहा सर, ये बना दिया तो फिर अभी हम तो इंटीग्रेशन y डॉट dx से भी निकाल सकते हैं ना इसका। कैसे सर? कर्व ऐसे हो गया तो फिर जितने रेक्टेंगल से उनका स्ट्रेट वे में लेके शायद। नहीं ऐसे नहीं होता, नहीं निकाल सकते। ओके, जो न्यूटन बोलता है वो सही होता है ना? हाँ सर। बस तो मैंने जो बोला उसमें कोई दिक्कत है? एक्सिस एक्सिस चेंज करना, एक्स डैश बनाना, ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा आगे चलने तो दो। इतनी सी बात है कि इंटीग्रेशन होता है एरिया, वाई डी एक्स लिखा हो तो एक्स एक्सिस के साथ बाउंड एरिया, एक्स डी वाई लिखा हो तो वाई एक्सिस के साथ एरिया। अरे बोलो भाई क्या समस्या है? नई चीजें सीख रहे हैं, सीख लो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। डिफरेंशिएशन में कितने रूल थे भाई डिफरेंशिएट करने के? 11 बार। अरे रूल 5 4 4 रूल, 4 डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल और चेन रूल। तो वो बहुत आसान होता है कि आप रूल्स, जब भी किसी चीज के रूल्स होते हैं ना तो आसान होता है, सब लोग रूल फॉलो करते हैं, आसानी से काम हो जाता है। इंटीग्रेशन का कोई रूल नहीं होता, तो आपके इंट्यूशन पे बेस्ड होता है ये। यानी एक क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा तरीके इंटीग्रेशन के अंदर बिल्कुल हो सकते हैं। एक ही क्वेश्चन के आंसर एक बच्चा कुछ और निकालेगा, दूसरा बच्चा कुछ और निकाल सकता है, जो कि आपस में इंटर कन्वर्टेबल होंगे आंसर्स, पर जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम आंसर पर ही पहुंचे। ठीक है,
ऐसा जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक जब आंसर आते हैं उसके अंदर होता है। तो पहली चीज तो मैं यही बताना चाहूंगा कि कोई रूल नहीं है, है ना, फॉर्मूले हैं, सिर्फ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके, बस एक चीज है जो हम याद रखते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, जिसे प्रॉपर्टी कह दिया जाता है, यहाँ पे रूल नहीं कहा जाता, वो ये है कि मान लो आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, ऐसे कई सारे फंक्शन हो, डॉट डी एक्स लिखा हो, तो उसे आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स कह सकते हो, जो कि डिफरेंशिएशन में एडिशन रूल के नाम से चल रहा था, है कि नहीं? इंटीग्रेशन में इसे प्रॉपर्टी कह देते हैं, क्योंकि और रूल ही नहीं है कोई। यस सर। तो जब भी एक से ज्यादा फंक्शन प्लस माइनस में हो तो आप क्या करो, उन्हें सेपरेट करके लिख दो। चलो तो अब लिख लेते हैं फॉर्मूले। सर कितने फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन में? उल्टा प्रोसेस है बेटा, तो उतने ही फॉर्मूले हो जाएंगे उल्टे। 12। अब एक आधा मैं चाहूँ तो एक्स्ट्रा भी लिखा सकता हूँ, फॉर्मूले तो बहुत हैं पर वो फिजिक्स में काम नहीं आते, पर चाहोगे तो मैं लिखा दूंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया है क्या आपका? फॉर्मूला की वजह से काम नहीं आते क्या? मतलब फॉर्मूला एक्स्ट्रा वाले वो हायर लेवल पे काम आते हैं। अरे मैथ्स में काम आते हैं भाई, मैथ्स भी तो सब्जेक्ट है, मैथ्स ही तो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में काम नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा नहीं तो बढ़ा है, मतलब थोड़ा सा जिस्ट ही दिया था, थोड़ा पता है ना इनवर्स क्या होता है बस, तो फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, तो वो तो काम आता भी नहीं हमारे। सबसे पहला भाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, ये आ जाता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एन कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, ये याद रखना। ये सी क्या आ गया भाई? तो ये c आ गया है आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। बेसिकली मुझे यहां पहले लिख देना चाहिए था कि हम क्या शुरू कर रहे हैं, पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आज फॉर्मूले शायद लिख ही नहीं पाएंगे अपन। हाँ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स कहीं दिया है और इसका आंसर आता है कुछ नया फंक्शन जी एक्स, तो उसमें आपको एक लगाना पड़ता है सी। अब ये सी क्या आ गया भाई? तो ये सी कहलाता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, ये सब हम आगे सीखेंगे, पर अभी तो आपको याद रखना है कि कभी भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर करते हो तो जो भी आपका आंसर आए उसके एंड में एक प्लस सी आपको जरूर लिख देना है, और ये बहुत जरूरी है। बोर्ड्स में तो मार्क्स ही काट लेंगे इसके अगर आप सी लिखना भूल गए तो। सर तो मींस ऐसे ही प्लस सी लिखना अगर उसकी कुछ वैल्यू ना हो तो? नहीं नहीं कुछ करना ही नहीं है आप तो बस देखो ये सी क्यों आता है ना, ये मैं आपको बिल्कुल बता पाऊंगा लेकिन फॉर्मूले सिखाने के बाद, ये सी क्यों लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा पर फॉर्मूले सिखाने के बाद। तब तक आप बस ये याद कर लो कि जो भी हम आंसर निकालेंगे इंटीग्रेशन सीखने के बाद, इंटीग्रेशन के बाद, उसमें हम एक सी चिपका देंगे बस, और सी को बोला जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतना मान सकते हो अभी, थोड़ा विश्वास रख सकते हो भाई? हाँ हाँ सर बिल्कुल। पहला फॉर्मूला x की पावर n dx, ये होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ऑब्वियसली n माइनस वन नहीं हो सकता, ये याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला बताते जाओ, आप खुद ही बता सकते हो, साइन एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन?
क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए. तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x plus c. जो राइट में लिख रहा हूँ उसका डिफरेंशिएशन लेफ्ट में होना चाहिए ना. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x plus c. tan x plus c, अरे उल्टा कर रहे हैं सब, बोल सकते हो पर तो माइनस tan x नहीं होगा. अरे कहाँ यार, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर को इंटीग्रेशन tan x होगा. cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो माइनस तो लगाना पड़ेगा ना. 1 by x का बोलो भाई. बिल्कुल आपका फेवरेट e की पावर x dx. e की पावर x plus c. e की पावर x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x ln a. a की पावर x plus a. इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx. माइनस कॉटेक्स प्लस सी. बिल्कुल माइनस कॉटेक्स प्लस सी, क्योंकि कॉटेक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस नहीं है तो वहां पे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना. इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स सेक एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी. अरे आसान है कि नहीं है भाई? Yes, समझ आ रहा है सभी को, कर क्या रहा हूँ मैं? Yes, बस उसका उल्टा काम करते जा रहे हैं, ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है जैसे कि 3, 4, 5 जीरो इंटू डी एक्स. बोलो जीरो शायद से सर. तो थ्री का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ सर समझ. थ्री एक्स होगा कि नहीं? हाँ सर. अरे बोलो भाई. यस सर. यस सर. डाउट सर, नाइन्थ वाले में माइनस sec x नहीं आना चाहिए? नाइन्थ वाले में sec x tan x नहीं भाई. sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, माइनस तो होता ही नहीं कहीं भी. तो ये है जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूले हैं. सर तो मैं ये दो साल में ये फॉर्मूला ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे. नहीं क्लियर है? बोलो भाई. यस यस सर. मैथ्स वाले लिखाऊं क्या? सर सेम ही होंगे ना, लिखा दीजिए. योर चॉइस. मैं तो नहीं, कुछ एक्स्ट्रा है जो मैथ्स में है, जैसे ये तो इसका आ जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. ये इनवर्स फंक्शन आ जाते हैं ना, तो अपने फिजिक्स में तो इनवर्स का काम ही नहीं बचता. अपॉन इनवर्स फंक्शन तो कभी मींस बड़ा ही नहीं. क्या कह रहे हो? एक सेकेंड रुक जाओ, जरा मुझे लिख लेने दो आप, थोड़ा रुक जाओ. सर 13 में 1 प्लस x स्क्वायर है डिवाइड में. a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख देते हैं, कभी काम आ गया तो, जहां a इज कांस्टेंट. ठीक है, तो पहले मुझे यहां लिख देने दो कि ये जो है ये नॉट इम्पॉर्टेंट है अपने लिए, पर याद रख रहे हो तो अच्छी बात है. आगे और भी सिखाएंगे मैथ्स वाले सर, तो मैथ्स में जब आप पढ़ोगे ट्वेल्थ में, ठीक है, कई सारे होंगे. अपने लिए सिर्फ वहीं तक काम किया. अब बोलो क्या क्या समस्या है सर. तो ये मैथ्स में जो इनवर्स फंक्शन है वो हमने नहीं पढ़ा है अभी तक. कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी काम नहीं है कुछ. मैं तो बोल रहा हूँ मैंने लिखा दिया है, आगे तो पढ़ोगे ना कभी ना कभी तो, ठीक है. यस सर. चलो
तो बस ये फॉर्म रट के आना अगली क्लास में और डीपीपी कंप्लीट करके सबमिट कर देना। तो आज का होमवर्क बस डीपीपी है, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इंटीग्रेशन करते कैसे। ओके चलो बाय एवरीवन, थैंक यू। बाय सर। बाय सर। बाय सर।